बिश्मानब्राहिम नॉवल है शेरक तहरीर है अनीता राजा एपिसोड टू इसने कहते हुए पूरे बैग को टैक्सी पे उलट दिया और बिखरी चीजों में पैसे तलाश करने लगी लेकिन वहां पैसे नहीं थे होते भी कैसे ओ मेरे खुदा ये कहां चले गए वो बुरी तरह से पदल हो चुकी थी अब टैक्सी वाले से उधार करने से तो रही टैक्सी ड्राइवर ने बाहर निकलते हुए कहा इसे भी अगली सवारी पकड़नी थी नथिंग एक्चुअली इससे पहले कि वो कुछ कहती ने टैक्सी पे लगे क्यू और कोड से बिल पे कर दिया अपने मोबाइल अकाउंट से ने मोबाइल टैक्सी ड्राइवर को शो करते हुए कहा थैंक यू सर टैक्सी ड्राइवर ने साइम को शुक्रिया अदा किया और टैक्सी में बैठ गया मरवा ने जल्दी से अपनी चीज़ें टैक्सी से उठाई ये आपने क्यों पे कर दिया मरवा तेजी से बोल रही थी क्योंकि इसे देर हो रही थी क्योंकि आपके बीस डॉलर मेरे पास अमानत थे साइम ने बीस डॉलर का नोट मरवा को थमाते हुए कहा ये ले लेकिन साठ डॉलर तो आपने पे कर दिया आप मुझे बाकी के वापस कर दें वो समझ चुकी थी कि ये पैसे वो वहां छोड़ आई थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं ये रकम इतनी बड़ी नहीं कि आपको वापस करनी चाहिए आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं को साइम की ये बात हजम नहीं हुई थी इससे पहले भी वो इसको ताड़ रहा था जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था इस बात का क्या मतलब है और आप मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ किस लिए कर रहे हैं आप जैसे अमीरजादों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये बीस डॉलर भी आप ही रखो इसने बीस डॉलर का नोट साइम की तरफ फेंक दिया अंग्रेशन के चक्करों में वो काफ़ी अमीरजादों से धोखा खा चुकी थी सैलरी के चक्करों में वो जॉब करते जब सैलरी की बारी आती तो ये कर टाल दिया जाता कि आपका स्टडी पीरियड था ये पैसे आपके हैं और मैं क्यों रखूँगा साइम ने नोट को पकड़ते हुए कहा और मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन मैं सिर्फ ये मानत आप तक पहुंचाने आया हूँ और रही आपकी स्टूडेंट आईडी डी ने दोनों चीज़ें मरवा को थमाई टेक केयर साइम से किसी लड़की ने ऐसे बात नहीं की थी वो हमेशा से अपने इर्द गिर्द लड़की का आइडियल रहा है लेकिन फिर भी वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया इसे भी मरवा की बात पसंद नहीं आई थी साइम का तलक एक अपर क्लास फैमिली से था और इसके पैदाश भी कैनेडा की थी इसके वालिद हारून मरमा मरदान का नाम बिजनेस टॉप ऑफ बिजनस मैन की लिस्ट में आता था वो पाकिस्तान एक दो दफ़ा ही गया था लेकिन वो अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था उसके दादा ने पूरी कोशिश की थी सब के रीति रिवाज में डालने के और वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे साइम मरदान खुद से मोहब्बत करने वाला इंसान था बिजनेस बेम भी इसने अपना ही नाम था वो जिस प्रोजेक्ट पे काम करता है इसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा बढ़ जाती थी क्योंकि साइम की पर्सनालिटी ऐसी थी इसकी कमर्शियल कंपनी थी और इनके बिजनेस की शाहें, कही शाखें कई शाखें कई मुल्कों में फैली हुई थी ये नौकरी भी इसकी वजह से हाथ से चली गई वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए बड़बड़ा रही थी इतने में इसके फोन की बैल बजी मरवा ने फोन सुनने के लिए रोड पे पड़े बेंच पे जाके बैठ गई और बैग से फोन निकाल के कान के साथ लगाया हाँ सारा बोलो क्या हुआ जॉब का यही पूछने के लिए कॉल किया है सायरा जो दूसरी तरफ काम में मसरूफ थी वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी ने एक ही सांस में पूछा क्या होना है वही जो रोज होता है मरवा एक स्पीड में बोली चली जा रही थी इसके आगे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और रोड पे आती जाती गाड़ियां अच्छा कस्टमर आ गया है मैं बाद में बात करती हूँ सायरा ने पीछे से आवाज सुनते हुए कहा और फोन बंद कर दिया सायम ने घर में दाखिल होते ही सीधा अपने रूम में जाना चाहा वो मरवा की बातों से अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुका था मेरा बेटा तो इतना मसरूफ हो गया है कि अपनी मम्मा के लिए एक मिनट भी नहीं निकाल सकता इरम ने संजीदा लहजे में कहा वो जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था अभी इसने कदम ही रखा था कि वापस आ गया इतनी स्वीट और यंग मॉम के लिए कोई कैसे टाइम नहीं निकाल सकता साइम अच्छे से जानता था कि इसे अपनी मम्मा का मूड कैसे ठीक करना है साइम ने इरम को सर पे भोसा देते हुए कहा तुम्हे पता है ना कल महरूश आ रही है तो कल के दिन के लिए ऑफिस को ना कर दो इरम ने सायम के हाथों पे थपकी दी सायम इनके मुकाबले आके बैठ गया मौम ये बात मैं आपको कई दफा कह चुका हूं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तुम्हें कोई लड़की भी पसंद नहीं है तो फिर इसमें क्या मसला है वो कल सुबह की फ्लाइट से आ रही है मैं अब कुछ ना सुनूं इरम ने सख्त लहजे में सायम को समझाते हुए कहा और तुम दोनों में तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर क्या मसला है साइम कुछ कहे बगैर अपने कमरे की तरफ चला गया वो शायद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता था इसके दिलो दिमाग में बस मरवा चल रही थी और वो पहली लड़की थी जिसके लिए वो इतना बेचैन हुआ था रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था मरवा गोद में लैपटॉप रखी खिड़की के पास बैठी थी कुछ देर पहले की बारिश से हर चीज़ बिगी हुई थी लैपटॉप की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी इसके हाथ लैपटॉप की बोर्ड पर मुसलसल चल रहे थे अगर अल्लाह के बाद इंसान को बहुत अच्छे से जानता है तो वो इंसान खुद है हम किसी इंसान को कितने भी करीब हो जाए लेकिन हम उस इंसान को नहीं जान सकते इतना नहीं जान सकते जितना इंसान खुद को जानता है वो मुसलसल लिखने में मसरूफ़ थी इसको डायरी लिखने का शौक था इसलिए वो रोज़ कुछ ना कुछ लिखती रहती थी शायद वो जानता नहीं है कि वो किस से बात कर रहा है इसे बोलो दूसरी तरफ इसका बाप है साय मरदान इसने मोबाइल को दीवार के साथ मारा और टेबल को जोर से हिट किया साइम का गुस्सा बहुत बेकाबू था क्या मरवा का फोन नहीं आया आज अहमद मियाँ पानी का गिलास हाथ में पकड़े बेड बैट पर बैठे हुए थे इनकी आंखों से बुढ़ापा जो लगता था वो कमजोर जिसम के मालिक थे अली से पास ही बैठी हुई थी इनका घर थोड़ा पुराना था छोटा था दोनों बहनों ने फूलों और पौधों से सजा रखा था सुबह मेरी उससे बात हुई थी वो ठीक है आप उसकी फिक्र मत किया करें दादाजान और कह रही थी आज नौकरी मिल जाएगी यार एक तो इस महले ने लड़के ने से तुम्हारे पैसे वापिस कर दिए ऊपर से तुम्हारा टैक्सी का किराया भी दिया तुम्हें उसे शुक्रिया करना चाहिए था ना कि ऐसे बोलना चाहिए था सारा जो हाथ में लिए बैठी थी मरवा की दास्तान सुनने के बाद बोली वो दोनों एक ही सोफे पे बैठी हुई थी तुम ऐसे लोगों को नहीं अभी जानती नहीं इन अमीर लोगों का यही मसला होता है बस हर एक के मुंह से अपनी वाह वाह सुनना चाहते हैं लड़की को अपने आगे पीछे घूमता देखना चाहते हैं वो अभी तक हाथ में लैपटॉप लिए बैठी हुई थी किस बात पे बहस शुरू है उस्मान ने कमरे में दाखिल होते ही मरवा और सायरा को मुखातिब किया बस इसी की कमी रह गई थी मरवा ने उस्मान को देखते ही कहा उस्मान का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है मरवा उस्मान और सायरा की दोस्ती बहुत अच्छी है लेकिन उस्मान के बहुत ज्यादा बोलने से मरवा को हमेशा से मसला रहा है

मरवा जानी ये तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त करके आ रहा है सायरा ने मरवा का लैपटॉप बंद किया और इसके साथ ही चिपक कर बैठ इसका रद्दअमल देखना चाहती थी क्या सच में वो जोर से चलाई इसने मुड़कर सायरा को देखा कहाँ पे और कैसे वो उस्मान और सायरा दोनों को बराबर देख रही थी इसने लैपटॉप को साइड पे कर दिया था मैं जिस फेरी में काम करता हूँ वही एक कैशियर की जरूरत थी और बोलना मत ये जॉब तुम्हें मेरी रेफरेंस से मिल रही है उस्मान ने खुद को सराहते हुए कहा जो टेबल की नुक्कर बैठा हुआ था फेरी समुद्री जहाज जैसी होती है जिसे वाटर बोर्ड भी कहा जाता है और कैनेडा में ज्यादातर लोग फेरी के जरिए सफर करते हैं और फेरी में तकरीबन हर किस्म की सहूलत मौजूद होती है शाप रेस्टोरेंट कैफेंट एरिया हाँ हाँ नहीं भूलूंगी अगर जिंदगी में कोई एक अच्छा काम कर दिया मरवाने उस्मान को देखते हुए कहा लेकिन पता नहीं वहां तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूंगी सही कहते हैं किसी एहसान फरामोश पर एहसान नहीं करना चाहिए अब इसी खुशी में मुंह मीठा करो करवा दो उस्मान अब उठ के सामने पड़े सोफे पर बैठा था जो छोटा था करवा दूंगी पहले जॉब का तो बताओ वो उस्मान के सामने आकर बैठ गई थी जाओ सायरा चाय बना लो ये कहते हुए इसने फिर से उस्मान को देखा वो जवाब की मंतजी थी कैशियर की सीट है और पच्चीस सौ डॉलर सैलरी पैकेज है फिलहाल के लिए काफी है मरवा सायरा जो सामने किचन में चाय बनाने में मसरूफ थी बोली और ऐसी जगहों पे टिप्स भी बहुत मिलती हैं ना उस्मान हाँ ठीक है मैंने कब एतराज़ किया मरवा आप दोबारा अपनी पुरानी जगह पर बैठ गई थी सुबह से ही ज्वाइन करना है और सुबह थोड़ी जल्दी आ जाना सायरा तुम भी वहीं क्यों नहीं ज्वाइन करती हाँ तुम्हारा दिल लगा रहता मरवा ने तंज करते हुए कहा मरवा जानती थी कि उस्मान सारा को पसंद करता था लगता है तुम्हें जॉब हजम नहीं हो रही उस्मान ने मरवा को आंख के इशारे से चुप रहने को कहा अगर इस प्रोडक्ट्स को हम और ममालक में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है कैनेडा में इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वशल ने फाइल को साइम के सामने रखते हुए कहा वो न्यू प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनी का टेग टैग देकर मार्केट में लाते थे वशल साइम की सेक्रेटरी थी वो ब्लैक पैंट कोट पहनी इसके सामने खड़ी थी ये आप फाइल एक दफ़ा चेक कर लें इसका ध्यान अभी भी मुसलसल मरवा में था और इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये इसके साथ हो क्या रहा है सर ये फाइल चेक करने लें ने एक दफ़ा फिर साइम को मुखातिब किया जो गहरी सोच में गुम हाथ में पकड़े बॉल पॉइंट को घुमा ही जा रही थी हाँ क्या कहा साइम का ध्यान वशल की किसी बात में नहीं था वो ये फाइल अप्रूव करनी थी वशल को सवालिया नजरों से देख रही थी क्योंकि इससे पहले ने ऐसा कभी नहीं किया था वो अपने काम को लेकर हमेशा संजीदा रहता था और काम को एक साइड पर जबकि बाकी दूसरी चीजों को दूसरी साइड पर रखता था इसने काम के बारे में कभी लापरवाही नहीं की ये हम कल करते हैं आज वैसे भी टाइम बहुत हो गया है ये कहते हुए साइम बाहरी की तरफ चला गया तकरीबन रात हो गई थी डैड आप आ गए हारून ने जैसे ही साइम के कमरे का दरवाजा खोला साइम ने, ने देखते ही कहा हाँ मैं तो आ गया हूं तुम बताओ आज के प्रोजेक्ट का क्या हुआ कुछ नहीं डैड आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया था कल फाइनल टच देखकर इसे अनाउंस कर देंगे वो सामने बैठ पे बैठा था इसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी जिसे वो अक्सर पढ़ता था ये डायरी से कैंडा के एयरपोर्ट से मिली थी इस पे किसी का नाम नहीं लिखा था वो अक्सर काम से फारिग होकर इसे पढ़ता था थोड़ी देर में हारून बाहर गए तो इसने फिर से डायरी पढ़ना शुरू की सुबह के पांच बज चुक, बज चुके थे सुबह की रोशनी और रात का अंधेरा मिलकर रक्त कर रहे थे रात के अंधेरे में रोशनी धीरे धीरे अपने कदम रख रही थी मेरे मोला में तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है मरवा हाथ उठाए जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी तो जानते हैं मैं यहाँ कितनी तकलीफ मुश्किलों से पहुंची मैंने बहुत मेहनत की और मैं कोई शिकायत नहीं कर रही आपसे बस मुझे इस काबिल बना दे के अपने साथ जुड़े रिश्तों के लिए खुशी का बायस बन सकू मरवा ने दुआ मुकम्मल करते हुए एक सजदा किया हर इंसान का अल्लाह से बहुत गहरा तलुक होता है और ये तल्क एक ऐसा वहा तल्क होता है जिसके लिए हमें सफाइया नहीं देनी पड़ती और ना ही वफा के बदले वफा की शर्त होती है हम खड़े रहें या ना रहें वो हमेशा खड़ा रहता है बंदे को सुनता रहता है साइम बेटा आज की मीटिंग तुम देख लेना मैं थोड़ी देर से ऑफिस आऊंगा हारून ने साइम को मुखातिब करते हुए कहा जो कि खाने की टेबल पर बिल्कुल इनके सामने बैठा था ठीक है लेकिन इससे पहले मुझे नोरो के साथ जाना है न्यू ब्रांच के लिए जगह देखनी है साइम ने ग्लास में जूस डालते हुए कहा हाफ में ज्वाइन करता हूँ साइम ने वेस्ट पहना हुआ था और बहुत फुर्सत से तैयार हुआ था बेटा मैंने कल तुम्हें कहा था कि कल के दिन कुछ भी नहीं करना इतने में इरम बोली तुम्हें महरोश को लेने जाना है मेरी प्यारी मॉम मैंने फेरी की सीट्स बुक कर ली है विक्टोरिया में एक जरूरी काम हर, वैसे भी इसने उधर ही आना है तो ना मुलाकात हो जाएगी साइम ये कहते हुए अपने रूम की तरफ चला गया साइम आज इसी फेरी में सफर करने वाला था जहां मरवा को जॉब मिली थी आज इसका पहला दिन था वो सात बजे ही रेडी हो चुकी थी मैंने सैंडविच बना दिए हैं तुम उठकर खा लेना मरवा शीशे के सामने खड़ी अपने कोट को देख रही थी इसने मल्टी कलर का टॉप और जींस पहनी थी सुरख रंग की बॉबल कैप सर पर पहनी थी जो इसे बहुत सूट कर रही थी जिसे हम गर्म टोपी कहते हैं तुम्हारा आज पहला दिन है मेरा नहीं मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो लाइट बंद कर दो सायरा ने यह कहते हुए करवट बदली बस जा रही हूं सोती रहो तुम मरवा आज खुश थी कि इसे जॉब मिल गई हाँ बस आधे घंटे तक पहुँच जाऊंगा यह कहते हुए साइम ने फोन को एक तरफ रखा और ड्रेसिंग से सफेद कलर की जैकेट निकाली और इसे पहनने लगा मैं कब से यहाँ खड़ी तुम्हारा वेट कर रही हूँ मरवा फोन कान के साथ लगाए फेरी के पार्किंग एरिया में घूम रही थी अब जल्दी से आ जाओ फेरी का सिस्टम सेम एयरपोर्ट की तरह था क्योंकि बी सी ये एक बहुत बड़ी फेरी थी थोड़ी ही देर में इसने काम स्टार्ट कर दिया था ये प्रोजेक्ट तुम अंकल को हैंडल करने देते साइम और नो रोज फेरी के कैफेट एरिया में बैठे आपस में बातें कर रहे थे तुम बात मुझसे कर रहे हो या इनसे साइम ने एक नजर नो रोज को देखा जो सामने बैठी लड़कियों को ताड़ रहा था मैं ऐसा करता हूँ दरमियान से हट जाता हूँ ताकि तुम्हारी सिग्नल कहीं स्लो ना पड़ जाए ये कहते हुए साइम ने खुद को थोड़ा पीछे किया यार मैं कहाँ देख रहा हूँ देखो वहीं देखे जा रही हैं नो रोज की पर्सनैलिटी ऐसी ही थी वो देखते में थोड़ा स्मार्ट सा था लेकिन इसकी पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग थी मुझे नहीं लगता कि इनके इतने बुरे दिन आए हैं कि वो तुम्हें देखने में अपना वक्त बर्बाद करें सायम ने सामने बैठी लड़कियों को देखते हुए कहा जो मुसलसल सायम को लिफ्ट दे रही थी नरोज कैनेडा का रिहायशी था और सायम का बेस्ट फ्रेंड था सायम अपने दिल की हर बात नरोज से शेयर करता था दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी चलो आओ कुछ शॉपिंग कर लेते हैं वैसे भी अभी आधा घंटा है विक्टोरिया में पहुंचने के लिए नरोज ने सामने वाली शॉप की तरफ इशारा किया जो ज्यादा दूर नहीं थी हाँ चलो चलते हैं ये कहते हुए साइम अपनी कुर्सी से उठा इसने अपनी कॉफी वहीं पर रख दी थी दोनों शॉप में पहुंच चुके थे साइम शर्ट्स चेक कर रहा था इतने में मरवा की नज़र साइम पर पड़ी इससे पहले कि साइम इसे देखता इसने न्यूज़पेपर अपने मुंह के आगे रख लिया शायद वो नर्वस हो गई थी साइम को एक शर्ट पसंद आ गई जिसको पैक करवाने के बाद वो काउंटर पे पहुंचा लेकिन मरवा न्यूज़पेपर मुंह के आगे रखे इससे अपना चेहरा छुपा रही थी शायद वो इसे शो नहीं करवाना चाहती थी कि वो यहाँ जॉब करती है बिल्लीट साइम ने कार्ड आगे बढ़ाया पर मरवा में कोई हलचल नहीं हुई साइम ने दो तीन दफा ये बात कही थी जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया साइम ने फिर से वही अल्फाज दोहराए हेलो मिस बिल इट प्लीज साइम ने जब दो तीन दफा ये बात दोहराई तो उस्मान जल्दी से काउंटर पर आ गया मरवा ये तुम क्या कर रही हो आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम खबरें पढ़ने में मसरूफ हो गई उस्मान के मुंह से मरवा का नाम सुनते ही सायम चूक गया मरवा के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसने फौरन से न्यूज़पेपर नीचे रखा और सायम के हाथ से शॉपिंग बैग पकड़ा हाँ उस्मान मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक है क्या तुम नहीं जानते इसने साथ ही उस्मान को जवाब दिया इधर करें सॉरी सर उस्मान ने सायम को मुखातिब करते हुए कहा तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ ये कहते हुए वहां से चला गया मरवाने सायम को मुसलसल इग्नोर करते हुए क्यूआर आर करने लगी जैसे वो सायम को जानती ही नहीं